भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकान ही खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापस क्यों आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़, मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है ठीक है, यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। गुरु एडवांस में लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। जी तुम सिस्टम है ना गुरु? अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गुन दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अभी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साली साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ, अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारू? मक्खियाँ? बबलू। हाँ कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी मार डाला, मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला, मार डाला। ए, कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूँ आपको? सारी मिठाइयाँ एक एक किलो बांधो। अब भी देता हूँ साहब, एक मिनट। ये लो शेठ जी, आपका सामान 100 रुपया देना। ये लो ये लो, ये लीजिए 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया, तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं गुरु, नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे, वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। हाँ? मिला था ना मिठाई में? कुछ नहीं, वो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी। हटबल और मच्छर मारने की दवा। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? अरे
लो पूछ रहे क्या बात है? अरे वो बालक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, उसे बचा लो। उसे कैसे बचाएं? अगर अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर को बुलाएं, वो तो शूटिंग में मसरूफ होंगे, वो तो आ नहीं सकेंगे ना। क्यों ना पुलिस को बुला लें? अरे वो तो सिर्फ लाशें लेने आती है। अरे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, पुलिस और लाशों की बातें क्यों कर रहे हो भैया? अगर तुम सब लोग सिर्फ बातें ही करते रहे तो वो ऊपर ओम नमः शिवाय। क्या सचमुच मैंने नहीं देखा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शोर बंद करो। किसे शोर बंद करने के लिए कह रहे हो? मोटरों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन अपने भोंपू में जा रही है। ए मिस्टर उतरो, अगर तुम कूद पड़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुनो, अगर वो कूद पड़ा तो तुम क्या मार डालोगे? वो तो स्वयं ही मर जाएगा ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो? मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस आत्महत्या के दृश्य को देखा। इसे जी में बैठाओ। क्यों, मुझे क्यों? अगर वो मर गया तो गवाही देने के लिए। क्या कचहरी के चक्कर लगवा लगवा के मेरी जान लेना चाहते हो क्या? अरे उसको मरने से बचा लो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा ओम नमः शिवाय। अबे चुप। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो। जो तुम लोग कह रहे हो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड भी आ गया। अरे धक्के क्यों दे रहे हो भाई? पेपर वाले फोटो ले रहे, हमारे थोबड़े भी नजर आने चाहिए। मरने वाला ऊपर मर रहा और तुम लोग नीचे फोटो के लिए मर रहे हो। ओम नमः शिवाय। आप मरना क्यों चाहते हैं? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुम लोग इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ सुनाई नहीं पड़ रही है इतनी देर से। ओम नमः शिवाय। अरे कौन है? अरे नीलू, वो देख चंद्रू है। मैं तो ये बोर्ड लिख रहा हूँ। नीचे उतरो। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चंद्रू, मत कूदो चंद्रू। अरे लिख लीजिए महोदय, बालक का नाम चंद्रू है। ओम नमः शिवाय। प्लीज ऐसा मत करो। मैडम, क्या आप उसे जानती हैं? वो आत्महत्या क्यों करना चाहता है? क्या तुम्हारे वालदे ने तुम दोनों को प्यार मंजूर नहीं किया? ये क्या, ये लड़की भी ऊपर चढ़ रही है। दोनों मिलकर एक साथ मरना चाहते हैं क्या? ओम नमः शिवाय। ये वर्दी पहनकर ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है? मेरे ऊपर मैं तू किस्मत। चंद्रू, आई एम सॉरी, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। चंद्रू, अगर तुमने आत्महत्या की तो मैं भी यहाँ से कूद कर तुम्हारी साथ अपनी जान दे दूंगी। प्लीज। अब पकड़ा गया। क्या साहब, क्या हुआ? तो मुझसे पूछता क्या हुआ? तू तो खुदकुशी करने वाला था और अब भोला बनता है। खुदकुशी? मैं? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पेंटिंग कर रहा था, भोले से डिब्बे का ढक्कन फिसल कर उस आदमी पर गिर पड़ा। सच? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पुरोहित, आप मुझे क्यों अंदर धकेल रहे हैं? ओम नमः शिवाय। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया और इतना बड़ा हंगामा किया, इसलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप अंदर नहीं आएंगे क्या? चल विचार। हेलो पुलिस स्टेशन। हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं, गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? या, 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 या,
का कैरेक्टर है। मुन्ना जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहां जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन? फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? चुप। शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के हजार टुकड़े हों। तेरे सर के हजार टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। चुप। देखा आत्माराम, अगर हम एक सेकंड भी लेट होते तो ये घड़ी हमारे सिर पर गिर गई होती और हम मर गए होते। ये घड़ी हमेशा लेट क्यों चलती है सर? अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो कि हम बच गए? यस सर। आए, नो नो नो, फौरन इस घड़ी को ठीक कराया जाए। सर, इस घड़ी को ठीक करवाने में बहुत खतरा है। क्या खतरा है सर? जिस दीवार पर ये घड़ी लटकी हुई है, थी, अभी गिरी पड़ी है। वो दीवार बहुत कमजोर है और मुमकिन है कि घड़ी दोबारा लगाते वक्त ये दीवार गिर पड़े। पुलिस स्टेशन की दीवार कमजोर? सर, मजबूत दीवारें तो इस देश में सिर्फ दो ही रह गई हैं। एक तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी, दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार जो 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली। आत्मा राम, शट अप। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कांस्टेबल गीता। इतनी लेट? तुम कौन हो? कोई नहीं, सब इंस्पेक्टर मैं हूँ। यस सर। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट क्यों? सर, सर वो लड़के वाले हैं ना, वो मुझे देखने आए थे। फिर लेट आओगी तो कहोगी कि बच्चा होने वाला। आत्मा राम, डंडा नीचे। करेक्ट, कांस्टेबल गीता। यस सर। आइंदा अगर तुम लेट आई तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। आत्मा राम, yes, मैंने तुमसे कहा था कि एयरपोर्ट जाकर दो केले ले आओ। यस सर। लेकर आए? यस सर। कहाँ है वो केले? ये रहा। आत्मा राम, yes, हमने तुमको दो केले लाने के लिए बोला था। यस सर। तो ये तो एक केला, yes, है, तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, yes, यहाँ पर दो केले होने चाहिए ना? यस सर। अबे तो ये तो एक केला, yes, सर, तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्मा राम, yes, सर, हमने कितने केले मंगवाए थे? दो। और प्लेट में कितने केले होने चाहिए? दो। तो यहाँ प्लेट में कितने हैं? एक। अबे तो दूसरा कहाँ है? आत्मा राम, ये एक केला है के दो? एक। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। अबे दूसरा केला, ये रहा। आत्मा राम, तूने मेरा केला खाया कैसे? खाया कैसे? आपको बस्ती में जाना है तहकीकात करने के लिए। कौन सी तहकीकात? सर, वो विक्रम के बारे में। विक्रम? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आई है हमारे पास। सर, ये बहुत डेंजरस मामला है। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। खतरों से खेलना ही हमारी ड्यूटी है। बाय द वे सर, हम फिल्मी पुलिस की तरह आखिरी रील में नहीं पहुंच सकते। आत्मा राम, इसी हिम्मत पर सब इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहे हो? सब इंस्पेक्टर तो बन के दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज। आत्माराम, झंडा नीचे। बस्ती, बस्ती, बस्ती। विक्रम, 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 ए विक्रम, रामटेक की 5 जमात पड़ी और 5 जमात भी फेल हो गई, और रामटेक का पट्टी पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे डर से आज तक पैदाश नहीं हुआ। हाँ, तो ये समझ ले कि विक्रम भी जिसकी हथेली पर अपना दिल रख दे वो भी आज तक पैदा नहीं हुआ। रामटेक तो तेरे नाम
राम से जवान हुई है विक्रम। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोतरी और कल हाथ में कटोरी। अरे जा रहे क्या हो गया, क्या हो गया? बलवान की बीवी बन गई। मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो जिंदा है। चल भैया, चलो पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई, मैं उसके घर चला गया तो बेचारा रो रहा था, मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया समझ गया, कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। अरे बच्चे का तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई, क्या होगा, मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। नमस्ते, कैसे हो, ठीक हो ना? नमस्ते सेवकराम। नमस्ते, कैसे हो? आपके कृपा से जी रहा हूँ। जियो, सदा जियो, 100 साल तक जियो, जब तक मौत ना आए जीते रहो। अभी आया ये लंगड़ा सेवकराम फिर आ गया। जब तक ये एमएलए था देश को बाप का माल समझकर खाता रहा, अब इलेक्शन में हार गया तो हमारी जान खा रहा। अरे इतना ही नहीं मालिक, जब भी आता है मुफ्त में खाकर चला जाता है, कहता है एमएलए आमलेट लाओ, एमएलए पराठा लाओ, एमएलए लस्सी लाओ। अरे इलेक्शन हार गया मगर एमएलए का भूत नहीं उतरा अभी तक। कोई भूत है? शस्त्र अस्त्र बनाने वाली उद्योग फैक्ट्री का पता चला, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक है, चोरी की वीडियो फिल्मों का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने को क्या करने का, अपने को तो रिश्वत मिल रही है। लापता, नाम रवि कुमार, उम्र 25 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 11 इंच, ऊपर दी हुई फोटो वाला नौजवान 4 दिन से लापता है, पता बताने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। 10,000? रवि, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा कलेजा, माई प्रा, जुमा अवरोरा, तू कहाँ खो गया था? सेवक राम सीतापुरी के सगे। आप कौन है जी? ऐसे सवाल करके मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ, तुम्हारे सवाल से ऐसे लगता है जैसे मैं इलेक्शन हार गया, साथ में जमानत भी बंद हो गई है। इस तरह क्यों रो रहे हैं? पिछले इलेक्शन में मैं हार के इतना नहीं रोया था जितने तुम्हारे सवाल ने आज मुझे रुला दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप खामोशी क्यों रो रहे हैं? प्यारे, मेरे राज दुलारे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का हूबहू मेरा एक छोटा सा भाई भी था। पिछले इलेक्शन में भगवान को प्यारा हो गया क्या? नहीं, एक मेले में बिछड़ गया, उस रकम मेरे सीने में गड़ गया,
मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, उसे ऐसे लगेगा जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जीत गई। घर चलो ना सावित्री। अरे वो सावित्री क्या है जी, क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी मीठी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन है? कौन है लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था, मेले में, वो मेले में। और से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, चकल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, शराब, भाभी जी, भाभी के गले थोड़े लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। बड़े भैया, बड़े भैया। हाँ, तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहें तो देश का नेता सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी नहीं बैठो, सावित्री चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवकराम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया हुआ भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। समझा नहीं? ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ, कैसे हो गया, बोलना। अरे बोलना क्या क्या हुआ, अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बनाकर लाए थे, वो सब कुछ लूट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान, ओ गॉड, ये क्या हुआ मम्मी, किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूट कर चला गया। दिन दिहाड़े डाका, ये सरकार क्या कर रही है, सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा, इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? उफ़ो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तो सब सत्यानाश कर दिया, जी क्या पगला था तू? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी पिताजी पिताजी, ये देखिए मेरा हीरो का हार गायब हो गया, फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के खबले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था, इसका ना हिसाब है ना रसीद, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो, मेरे चांदी के सारे बर्तन गायब हैं, इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के खबले में दलपत राम का दान पान था, इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। मेरा 3-1 भी गायब है, इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के खपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है, अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, माँ के सारे सोने के गहने गायब है, इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। कर दो। नहीं बेटी, जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे, इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते? इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या, सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला, कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 100 रुपए किलो रद्दी। अच्छा वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा खैर,
मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानव, केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, दस किलो। दस किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था, 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका मुझे मरवा दिया, वो रद्दी वाले को गए, वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए नुक्कड़। अरे पांडू वहाँ जल्दी। सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोरी दूसरे आदमी के पास पहुंच गई, अब क्या करेंगे? चलो। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे चल, कहाँ ले आए आप? अरे ओके ओके, कहाँ ले आए मुझे? देखिए सर, ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट, गांजा क्या होता है? धूर्त। इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बैगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है? है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई है खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। यमा! क्या कहा? यमा! ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं, अम्मा, ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। तेरी यम्मा! यम है हम। आगे। ए, ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो हैं जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और, ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? सुनो, और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम। हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीरे ना जाको बैठ, भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को, जनेऊ लटका को, इतना बड़ा पेट निकाल को, कोई पंडित नहीं हो जाता? उठ, मैं तेरे को बाट को दिखाता। हरिओम। चला हाथा निकाला। पंडित जी, हमको लगा ही नहीं आपने। लगा रहा हूँ, काहे को मर रहे? लाओ, किधर लगाते? ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अच्छा, तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं?
भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या बोटी है? ऐसे ही हूँ। हैं? हैं। चला? चल। मैं मर रही हूँ। मेरे बेटे की शादी करा दो। मैं मर रही हूँ। मेरे बेटे की शादी करा दो नहीं तो मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें ऐसी बोमड़ी मार मार को मेरे पीछे पड़े तो मैं ये मौसा जी इन्हें मंडप से भाग जाने वाली बहुला को मेरी इज्जत की छाती में खड्डा कर दिया ना काटा। तुम्हारी इज्जत जाती है तो जाने दो जी। मेरे बेटे की जवानी जा रही है उसका क्या बुड्ढा लग रहा है बेचारा। मैं इसके साथ बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़े भाई के साथ बाहर जा रही है। बंद कर अपना मुंह, मत कर ऐसी बात। कोई ऐसी बात सुनेगा बुड्ढा तो कौन देगा बेटी मेरे हाथ। अंकल लगता है आंटी सचमुच मर रही हैं और मरने वाले के मुंह में तुलसी का पानी डालते हैं। जल्दी से कहीं से लाकर। ये शहर में म्युनिसिपैलिटी का माली नहीं मिलता। तुलसी का पानी तेरा बाबा लाको देगा। खैर मैं करता इसको। कांटा तुम एक काम करो, नारायण नारायण बोलो, तुम्हारा दम जल्दी निकल जाएगा, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। आइयो जल्दी मरो, मेरे को काम पर जाने का है ना। अंकल लगता है आंटी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इनो मर रही तो तू मेरे कान में घोड़े सरी का काय को इन्हें नारा रे। ये पर्दा फट जाएगा तो तेरा बाबा भर को देगा। मेरा बाप क्यों देगा, वो तो मैं ही दूंगा। अगर कान का पर्दा फट जाए तो खिड़की का पर्दा लगा देना मेरी। अरे इनो मर रही तू मेरे मुंह से काय को गालियां निकलवा रहा रे। तो काम कर जाको नाला ले को। नाला? हाँ नाला, इधर में बांधते वो नाला काय को। अरे देखो इन्हें नारा नहीं बोलती। नाला देखो, नाला बोलेंगी ना सोर में जाने का आधा टिकट तो मिल जाएगा। अंदर जाने को नहीं मिला तो दरवाजे पे चटाई बिछा को लेट जाएंगी। नाला ले जा तो। बमे बमे मम्मी खोल दे आके, अगर बिना खोले मर जाएगी। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर पछताएगी। अरे बंद कर रहे तेरी ये शायरी, ये क्या चीज मेरे घर में पैदा हो गई है। कांटा आंखें खोलो, ये देखो बोलो नाला भाड़ा। नाला भाड़ा। आयो नाला भाड़ा। क्या औरत है, इसका बाप भाड़ा वसूल करता था, इसको अभी तलाक याद है। अरे भाड़ा नहीं नाला भाड़ा। तुम्हें नहीं जाते स्वर्ग में, किसको मालूम नर्क में भी जगह मिलती कि नहीं। भूत बन को हवा में लटकते रहते हैं थे। अंकल कैसी बातें करते हैं, जरा प्यार से बातें कीजिए, हो सकता है मरने वाला दोबारा जिंदा हो जाए। काय को क्या लोग हैं, ये लोग इसको मरने नहीं दे रहे, ये मेरे को जीने नहीं दे रही। कांटा तुम्हें मरने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं तुम्हारे पोते की शादी करवा को रहता। ये ऐसे नहीं मरने वाली, इन्हें मेरे को मार को, मेरा गोश्त खा को, मेरी हड्डियां चबा को, तभी मरेंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सिट डाउन। क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं, और वो भी आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूँ। जी हाँ, आपके प्रोफेसर हैं पतली सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी मिसेस जेम्स। अरे आप लोग उनके गुस्से पर मत जाइए, उनका दिल बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, बाहर से कड़क है अंदर से नरम है। और इत्तफाक की बात तो यह है कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी नजरें इनायत चाहती हैं तो आज जैसे ही वो क्लास में आए तो उनका स्वागत फूलों से करें। अर्दली 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 फूल बांटो। यस सर। मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल, मिसेस जेम्स के फूल, हैप्पी बर्थडे मिसेस जेम्स के फूल। ओके गर्ल्स, हम चलते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग मिसेस जेम्स। हु इज दिस? दिस इज दिस, यू विल कम टू नो लेटर मिस। शट अप फूल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हैप्पी बर्थडे मिस। हैप्पी बर्थडे। Are you doctors or actors? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट, कल बड़ी जिम्मेदारी उठानी, और आप लोग ऐसी बेहुदा हरकतें करते।
गर्ल्स जा हाथ में धोलो। किशन तुम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर और जानकर। सर सर हमारा क्या हालत बनाया ये लोग, हमारा कितना फैंसी ड्रेस था। जेम्स पहले आपका ड्रेस फैंसी था, अब ये फैंसी ड्रेस हो गया। चलो तुम दोनों मिस्टर जेम्स से माफी मांगो। सर मेरे पास चेंज नहीं है, मैं तो माफी मांगने के साथ साथ मैं इन्हें सनलाइट साबुन के पैसे भी दे देता है। मुरली सॉरी सर, सॉरी मैडम। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। लेकिन याद रखना, यस सर, ये तुम दोनों के लिए आखिरी वार्निंग है। यस सर। आइंदा को ऐसी हरकत हुई तो मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नो चांस सर, लेट्स गो। लेट्स गो।